है जनमत आवाज। जान जोखिम में बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावली में सरपंच सचिव की मनमानी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच का पूरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब नया सरपंच बन चुका है, किंतु स्थिति में जैस की तस बनी हुई है। गांव में लंबे समय से पुलिया की मांग चली आ रही है, लेकिन ग्रामवासियों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। ग्राम पंचायत सावली के ग्राम राम सिंह फालिया यो मगन फालिया के ग्रामीणों को सावली डैम के पास पुलिया ना होने से आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या पिछले 5 वर्ष से चली आ रही है। इसके बारे में सरपंच सचिव अमल चौधरी को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि यह हमारा मुख्य मार्ग है, इसी मार्ग से स्कूल के बच्चे को खंधे पर बैठाकर पार करवाना पड़ता है। नाला व बैल गाय भेड़ जानवर मरीजों को और लाश को ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या हर बारिश के मौसम में खड़ी हो जाती है। पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार प्रशासन की ओर से पंचायत में विकास के नाम पर लाखों रुपए आते हैं, लेकिन जहां ग्रामीणों की मुख्य समस्या वहां पर कार्य नहीं किया जाता। यह सचिव अमोल चौधरी की अनदेखी लापरवाही है। अपनी मनमानी से कार्य किया जाता है, इस और उच्च वरिष्ठ अधिकारियों का भी ध्यान नहीं है। अब ग्रामीणों नए सरपंच से आस लगाकर बैठे हैं। आइए देखते हैं। आया था इधर, जो मतलब मेरे दोस्त के वाइफ की डेथ हो गई जी, तो वो उनको मतलब शमशान ले जाना था। हाँ। और शमशान ले जाने के टाइम मैंने जो रास्ता देखा जी, तो वो रास्ता देखकर मुझे अलग ही टाइप की ये हो गई, मतलब जो किसान लोगों ने, हाँ, जैसे मतलब अपन को जिस रास्ते से जाना था, जिस पुलिया से जाना था, हाँ, वो पुलिया कम से कम 4 या 5 साल से टूटा हुआ है। अच्छा। और वो जो लाश ले जाने में दिक्कत आ रही है, तो लाश को ऐसे नदी में उतार कर, हाँ, और चढ़ाने में दिक्कत आती है। और मतलब जो बच्चे कुछ स्कूल जाते हैं, हाँ, तो वो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं 3 या 4 या 5 साल के, हाँ, तो उसमें कुछ बच्चे बड़े होते हैं जो मतलब आराम से निकल जाते हैं। और ये जो खेती में जैसे बड़े बड़ी मक्का होती है, बड़ी बड़ी कपास होती है, उसमें 3 या 4 साल के बच्चे अगर जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी बिच्छू या किसी जानवर का धाक रहता है, तो उसमें अगर किसी बच्चे को किसी ने काट लिया, तो इसमें अपनी सरपंच, ग्राम पंचायत, जो भी जो पुराने समय में जो सरपंच साहब थे, उनको कई चक्कर जो किसानों ने बोला कि भाई हमारे को जंगल जाने में या स्कूल जाने में या कुछ जो गरीब लोगों, जो किसान मतलब आदिवासी लोगों रहते हैं जंगल के किनारे, जो भैया मगन सिंह फालिया और ऐसे कुछ राम सिंह फालिया करके कुछ 25-30 मकान हैं, वहाँ के जो पब्लिक है जो गाँव के अंदर जाती है या बाज़ार करने जाती है, तो उनको जो है मतलब जो रास्ते से जाना पड़ता है, वो रास्ते से बहुत तकलीफ़ आती है। और ये तकलीफ़ जैसे मतलब इनको आना पड़ता है, तो जो बाइक लेकर आते हैं, तो उनकी बाइक ओनली नदी के पार उस पार खड़ी रहती है। और आपने अभी कुछ देर पहले देखा होगा, यहाँ से कुछ जानवर जा रहे थे, तो आपको बताया मैंने। अच्छा भैया, आप लोग क्या मांग करते हैं ये समस्या को लेकर? हम बस हमारी इतनी मांग है कि ये थोड़ा पुलिया जो 4-5 साल पहले जो पुलिया जो डैम वाले ने जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार मतलब जो पहले वो जो पुलिया बना के गए हैं, वो पुलिया अगर अभी देखने आए और सही ढंग से मतलब सही तरीके से व्यवस्था कर दे किसानों के जाने आने की, वो इतनी परेशानी अगर हल हो। भैया क्या समस्या है आप लोगों की? हमको ये पुलिया से बहुत दिक्कत आ रही है, जाने में दिक्कत आती है, 25 स्कूल जाते हैं, 20-25 बच्चे हैं। अच्छा। और उसको ले जाने में बहुत दिक्कत आई। अच्छा। बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? यहाँ साहब। और आपका फाइला कौन सा? ये राराम सिंह है। और ये दो फाइलों को आने जाने में परेशानी आ रही है। अच्छा। ये दो फाइलों में 20-25 मकान आते हैं। अच्छा। कितने सालों से ये समस्या चल रहा है? ये तो जब से ये डैम बना, जब से ये समस्या है। कितने साल हो गए होंगे? 5-1 साल हो गए। तो ये समस्या के बारे में किसी को अवगत करवाया था कि आप लोगों ने? ये बहुत बार बोले सरपंच को। हाँ। ये पुराने सरपंच को। अच्छा। तो बोले कि हाँ वो कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। और बाजार जाना रहा, पिसाने के लिए जाना रहा, तो कोई दूसरा मार्ग नहीं क्या? नहीं, फिर यही रास्ता है ना? यही रास्ता है। अच्छा। पूरा गांव के जानवर भी बस देर के निकलते, कई जानवर इधर तालाब में चले गए। वो ऐसा क्या? हाँ। मतलब जानवर भी मर गए यहाँ? हाँ, 3-4 मर गए। अच्छा। आपका नाम क्या है? धन सिंह मांगीलाल। कहाँ रहते हैं?